हेलो फ्रेंड्स, निलू बुटीक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं कपड़े से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज की नाप है जिससे हमको ब्लाउज की कटिंग करनी है। और ये ब्लाउज का कपड़ा है और ये अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर को ऐसे खोल लेंगे, फिर इस प्रकार अस्तर को हम फोल्ड कर लेंगे। ऐसे अस्तर को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए सर, ये ब्लाउज है। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई नापते हैं। लंबाई 15 इंच और चौड़ाई, चेस्ट की चौड़ाई 30 इंच। आधा इंच हम नीचे मार्जिन छोड़ देंगे जो ब्लाउज में फोल्ड करने पे अंदर चला जाएगा। और 15 इंच ब्लाउज की तैयारी है तो हम आधा इंच बढ़ा के ऊपर 15.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ओके, ब्लाउज का कंधा कितना है? कंधा 13 इंच। 13 इंच का आधा 6.5 इंच पे निशान बनाएंगे और इसे लाइन से मिला लेंगे। जितना शोल्डर रहता है उतना ही हम नीचे लाइन लेते हैं, खींच लेते हैं। 6.5 ऊपर था, 6.5 इधर थे, नीचे है। इसको इससे मिला लेंगे। हम फ्रंट ब्लाउज के फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं, सामने की पल्ला कटिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट कितना था? 20। 20 का आधा 10। 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। कमर कितना है? कमर 18। कमर में डाट, नीचे डाट पड़ती है, इसीलिए 18 का आधा 9। 9 में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे 10। अब इसे भी हम ऊपर मिला लेंगे। उसके बाद गला 2.5 इंच करेंगे। गले की लंबाई, आगे की गले की लंबाई 7 इंच है, 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब शोल्डर की चौड़ाई का आधा 2 है, 2 पे हम निशान लगाएंगे और सीधी लाइन में खींच देंगे। एक इसलिए डार्ट के लिए, जो ब्लाउज में डार्ट पड़ता है डार्ट के लिए। और फिर यहाँ पे हम गोल राउंड करके ऐसे मिला देंगे, क्योंकि इसमें बगल में चैन लगेगा इसलिए यहाँ पे तीरा वगैरह नहीं बन रहा है। वरना अगर सादे ब्लाउज में बीच से तीरा बनता है, इसमें नहीं बनेगा, इसमें बस एक डार्ट रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम गला की कटिंग करेंगे।
अपना मार्जिन रख के यहाँ से कटिंग कर लेंगे। आगे का पल्ला निकल गया, अब हम पीछे का निकालेंगे। इसके लिए हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर जो फ्रंट पल्ला निकाले उसे हम इस पे रख देंगे, आधे इंच नीचे छोड़ देंगे। जितना हम यहाँ निशान लगाए हैं उतना नीचे छोड़ देंगे। फिर ऊपर कपड़ा सही कर लेंगे। पीछे का पल्ला रख देंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा छोटा करना है और थोड़ा सा गोलाई बढ़ा के कटिंग करनी है। बस, और गला की लंबाई देख लेंगे। गले की लंबाई 6 है, छह इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद इसे हटा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आगे का पल्ला है और ये पीछे का पल्ला, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम गला कट करेंगे। फिर उसके बाद शोल्डर, स्लीवलेस। देखिए फ्रेंड्स, स्लीवलेस ब्लाउज, बगल में चैन लगाने वाले ब्लाउज की कटिंग हो गई है अस्तर की। ये देखिए आगे का पल्ला है और ये पीछे का पल्ला है। अब इसको हम कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज के आगे का पल्ला पर काटेंगे। इसे हम ऐसे करेंगे और अस्तर को हम इस पे रख देंगे। देखिए, इसे काट लेंगे। फिर पीछे का पल्ला काटेंगे। हम यहाँ रख लेंगे, फिर पीछे का पल्ला काटेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स। अब इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय।